देखिए राजस्थान के अंदर जातियों की और आरक्षण की लड़ाई इस सरकार ने सत्ता में आने के लिए करी थी। राजस्थान के गुर्जरों से पहली बार इसी सरकार ने 2003 के इस सरकार ने वादा किया 2003 के अंदर कि हम आपको आरक्षण देंगे, और वो जब हमने आरक्षण मांगा तो आरक्षण के बदले राजस्थान के गुर्जरों को गोलियां देने का काम इस सरकार ने किया, और हमारे 73 गुर्जरों का खून से राजस्थान की धरती लाल हो गई। सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला मामला है कि जब एक कौम ने अपने अधिकार पाने के लिए अपने बेटों के खून से इस धरती को लाल किया हो। लेकिन उससे बड़ा दुर्भावना इस बात की है जब ये एसबीसी का ओबीसी को एसबीसी में लिया है और एसबीसी के बाद उसका लाभ लेने के लिए एमबीसी लेकर आ गए, लेकिन जो उपचुनाव के पहले इनका रिजल्ट आया उस उपचुनाव के पहले के तो जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट था उसके अंदर इन्होंने 1% एमबीसी का आरक्षण दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो इनके रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर किसी भी वैकेंसी में और रिजल्ट के अंदर ही हमें एमबीसी का 1% नहीं दे रहे हैं। आज जो आरएस का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आरएस के हमारे लोग हैं उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण जो आरएस बन सकता है वो आरपीएस बन रहा है, जो आरपीएस बन सकता था वो टीडीएस बन रहा है, और हमारे नौजवान लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर उठाया है और सरकार को चेताया है कि आने वाले समय में अगर आपने इसका निराकरण नहीं किया तो एक बार राजस्थानी गुर्जर सड़कों पर फिर उतरेंगे, और यह सरकार नहीं है, हम नहीं।